हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों रिवर सिस्टम के बारे में, और खासकर हमारा जो फोकस होगा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में होगा। हालांकि भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं और किसी एक वीडियो में इन सभी को समेट पाना बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं टू दी पॉइंट सीरीज, ज्योग्राफी की टू दी पॉइंट सीरीज पढ़ रहे हैं। तो हम केवल उतनी मैटर पर बात करेंगे जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। मैं पहले बता चुका हूँ कि हिस्ट्री हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं, अगर आप ये भी ज्योग्राफी पे अपनी पकड़ बना लोगे तो जान लो बहुत मजा आ जाएगा। तो दोस्तों आज मैं मैप के थ्रू ये पढ़ाने वाला हूं। आपको लगेगा सर ये मैप आपने कहां से लिया, तो नमामि गंगे परियोजना के लिए जो अलग से वेबसाइट बना रखी है गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट का पूरा डेटा है, ठीक है। और मेरी नज़र अचानक से यहां चली गई क्योंकि जब भी मुझे कुछ पढ़ाना होता है तो मैं नेट पर खूब सर्च करता हूं ताकि कुछ तो मैं लोगों को बेहतर दे सकूं। तो मेरी नज़र जब इस पर पड़ी तो मुझे लगा कि बहुत बेहतरीन मैपिंग जो है वहां तैयार किया गया है। मैंने कहा इस लाओ इस मैप को ही डिस्क्राइब कर देता हूं बच्चों के सामने, क्योंकि यार हमें तो ओवरऑल सीखने से मतलब है कि नहीं। तो बहुत बढ़िया मैप बनाया, इसको मैं समझा देता हूं आपको। देखो गंगा नदी को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम जो है ये ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी अन्य रिवर सिस्टम है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे यमुना हो, चाहे वो सिंधु वाली हो, चाहे प्रायद्वीपी भारत की कोई भी नदी हो, गंगा गोदावरी हो, कृष्णा हो, कोई भी नदी हो, ठीक है, उन सभी में सबसे बड़ा कौन सा है, आपका गंगा रिवर सिस्टम है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चाहे आप पौराणिक दृष्टिकोण से देख लो, धार्मिक दृष्टिकोण से देख लो, आर्थिक दृष्टिकोण से देख लो, सामाजिक दृष्टिकोण से देख लो, भौगोलिक दृष्टिकोण से देख लो, हर दृष्टिकोण से देखने पे आपको यही समझ में आएगा कि गंगा नदी की जो धाराएं हैं और इसमें मिलने वाली नदियां हैं बहुत बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये मिलता है कि गंगा रिवर सिस्टम जहां से बह के जाती है और इसकी सहायक नदियां जहां जहां बहती हैं, ये पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है, और भारत के इन मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तो जाती हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि सर आप हमको ये बता दीजिए निकलती कहां से। तो दोस्तों देखो कोई नदी निकलेगी कहां से, भाई पानी वहां बहुत ज्यादा चाहिए, तो जाहिर सी बात है नदियां निकलती हैं हमेशा ग्लेशियर से। कहां से निकलती हैं, ग्लेशियर से। और इसके लिए भी एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है, गंगोत्री, गंगा से नाम रखा गया गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर में जिस जगह से पानी आके कलेक्ट होता है उस जगह का नाम रखा गया गोमुख। क्या रखा गया नाम, गोमुख। तो याद रखिए गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से जो है गंगा निकलती है। अच्छा ये पड़ता कहाँ पे है सर, तो ये पड़ता उत्तराखंड में। शुरुआत में 2000 के पहले जो है उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जब से उत्तराखंड अलग होकर बन गया तब से ये कहाँ पहुँच गया, उत्तराखंड में पहुँच गया। तो कह रहा है उत्तराखंड में जो हिमालय का हिस्सा है वहाँ से जो है गंगा नदी निकलती है। तो आप देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इमेज ये दिखा रहा है, ये गंगोत्री ग्लेशियर एट गोमुख। हो सकता है आपको क्लियर ना आए इसलिए मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कि गंगोत्री ग्लेशियर एट गोमुख, यानी गोमुख जो है ये गंगा नदी निकलती है। अब देखो इसमें दोस्तों कुल पांच प्रयाग आपको ध्यान देना है, पांच प्रयाग हैं जो कि आपके कहां है, उत्तराखंड में है, पांच प्रयाग। अब वो पांच प्रयाग कौन से हैं, पहला है देवप्रयाग, दूसरा है विष्णुप्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग, चौथा है नंदप्रयाग और पांचवा है रुद्रप्रयाग। इन पांचों को देखना है आपको, पांचों को, ठीक है। अब देखो पांचों कैसे देखा जाए, दोस्तों अगर बात आती है ना इन सभी की धाराओं को मिला करके किसका निर्माण होता है, गंगा का निर्माण होता है। सभी की धाराओं को मिला करके गंगा का, स्पेशली अगर गंगा का पूछे तो गंगा का शुरुआत में जो नाम था वो भागीरथी था। क्या नाम था, भागीरथी था। जिस समय यह निकलती है ग्लेशियर से, ठीक है, गोमुख से, उस समय तक इसका नाम क्या रहता है, भागीरथी नाम रहता है। भागीरथी में जब अलकनंदा आके मिलती है, कौन सी मिलती है, अलकनंदा आके मिलती है, तब उसका नाम क्या पड़ जाता है, तब उसका नाम पड़ता है गंगा। तो बेसिकली जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि इधर फिर देखो गंगा आ रही है, ठीक है, और ये आके अलकनंदा मिल गया। अलकनंदा बाकी सारी नदियों को भी लेकर के अपने साथ आती है, ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो ये दोनों मिलकर के गंगा का रूप जो है धारण करती हैं। अच्छा आगे कह रहा है कि भागीरथी एट देवप्रयाग, देवप्रयाग में जो दोस्तों अलकनंदा का मुलाकात हो जाता है, किससे, गंगा नदी से मुलाकात हो जाता है, ये बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। अच्छा एक और है दोस्तों धौली गंगा, धौली गंगा जो है ये क्या करती है, ये आके अलकनंदा में मिलती है विष्णुप्रयाग में। इसी तरह एक पिंडार नदी है, ये भी आकर मिलती है अलकनंदा में कर्णप्रयाग में, ठीक। इसी तरह एक नंदप्रयाग है, वहाँ पे नंद से बना नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी आके मिलती है, ठीक है। और लास्ट में मंदाकिनी है दोस्तों, मंदाकिनी को बोलते हैं रुद्रप्रयाग, ठीक है, मंदाकिनी को क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। तो आपको याद कैसे रखना है, सबसे बड़ी बात तो यही होती है। तो याद रखो, आप कोई तरीका बना लो आप याद रखने का, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में मैपिंग करके पढ़ाया भी था, बट इसको आप देख लो, ठीक है।
क्या क्या याद रखोगे? एक तो आप याद रखोगे सबसे बड़ा देवप्रयाग है, देवताओं की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि गंगा को हम देवी देवता के रूप में मानते हैं, तो गंगा की मुलाकात सबसे पहले किससे होती? अलकनंदा, अलकनंदा, अलक निरंजन, यानी भगवान की बात कर रहा है शिव की, ठीक है? तो ऐसे याद रखना, तो देवप्रयाग देवता है, तो इन दोनों की धाराएं मिलती हैं देवप्रयाग में, तो याद रखना आप भागीरथी अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। बात आती है विष्णुप्रयाग में, तो विष्णुप्रयाग में दोस्तों धौली गंगा, यानी उनके पैर को गंगा जी धुल रही हैं। एक्चुअली विष्णुप्रयाग ऐसे करके आ सकते हो कि जब भगवान विष्णु से अपने सैया पे सोए रहते हैं, कहाँ पे सोते हैं? फिलहाल तो सोते हैं क्षीर सागर में, लेकिन ऐसे आप याद रखो गंगा जी नदी उनके पैरों को धो रही हैं, तो विष्णु प्रयाग धौली गंगा, धो रही हैं गंगा विष्णु जी के पैरों को, ठीक है? तो अलकनंदा में आके मिलती है। अच्छा, बाकी सारी जो नदियाँ अलकनंदा में ही बेसिकली आके मिलती हैं, ठीक है? बेसिकली कहाँ मिलती हैं? अलकनंदा में है। इसी तरह कर्ण प्रयाग, तो कर्ण का नाम आपने सुना होगा महाभारत में, और पिंडारियों का नाम भी सुना होगा, पिंडारी भी बहुत मजबूत थे, जैसे कर्ण बहुत बलवान था शक्तिशाली था, उसी तरह से जो पिंडारी थे वो भी बहुत शक्तिशाली थे, तो पिंडारी से कर्ण को याद रख लो। यानी पिंडार नदी जब आके मिलती है अलकनंदा से, तो वो कहाँ पर है? कर्णप्रयाग में है। अब बात आती नंद प्रयाग में, तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी आके मिलती, तो नंद से नंदाकिनी, नंद से नंद याद कर लो। और लास्ट में मंदाकिनी, मंदाकिनी जो है, ठीक है, मंदाकिनी यानी पूरा ब्रह्मांड, मंदाकिनी मतलब पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब शिव, शिव मतलब रुद्र, तो याद रखो मंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग, ठीक है? तो इन सारी नदियों को, दोनों को, दोनों जब धाराएं मिल जाती हैं तो आपके इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। अब यहाँ से हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, गंगा से कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहा कर रहा है, आगे बता रहा है, कह रहा है ऋषिकेश के नियर एक सुखी नामक जगह है ऋषिकेश में, ठीक है? वहाँ से होते हुए ये कहाँ पहुँचती है? थोड़ा सा दक्षिण तरफ मूव करती है और पहुँच जाती है हरिद्वार। पहले ऋषिकेश आएगी, ठीक है, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार आती है। हरिद्वार में दोस्तों इस पर कुछ बैराज भी बनाए गए हैं, ठीक है? हरिद्वार में आने के बाद कुछ बैराज भी बनाए गए हैं, आल पर्पज़, इसका बहुत सारा पर्पज़ है, और कह रहा है कि डेराइव हो, मैं आपसे पहले भी कर रहा हूँ कि हो सकता है आपको यहाँ पे दिख ना रहा हो, तो मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए, डाइवर्टेड इनटू ऊपरी गंगा कैनाल। तो यहाँ पर एक नहर इससे निकाली गई है हरिद्वार के पास से, जिसका नाम है ऊपरी गंगा कैनाल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ऊपरी गंगा कैनाल, इसके बाद हरिद्वार से नीचे आती है, थोड़ा सा फिर से टर्न करती है, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, उसके बाद पहुंच जाती है हरिद्वार के बाद अगला जो आता है बिजनौर। कहाँ पहुंचती है? पहला मैंने बताया सुखी पहुंचती है, दूसरा पहुंचती है हरिद्वार, और तीसरा पहुंचती है बिजनौर, ठीक है? बिजनौर के दौरान दोस्तों इसमें फिर से एक कैनाल बनाया गया है, तो याद रखो ड्यूरिंग मानसून, जब मानसून आता है तब इस कैनाल का उपयोग किया जाता है, इसको मध्य गंगा कैनाल नाम दिया गया। आगे दोस्तों नरौरा आया है, तो वहाँ पर एक तीसरा कैनाल बनाया गया, लोअर गंगा कैनाल, ठीक है, भी आल पर्पज के लिए है। तो एक बात बताऊँ दोस्तों, जो तीन कैनाल बनाए गए, ऊपरी गंगा कैनाल, मध्य गंगा कैनाल, और कौन से आपके लोअर गंगा कैनाल, तो ये सब करते क्या है दोस्तों? यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिससे जो है गंगा नदी के जल के माध्यम से बहुत सारे विद्युत परियोजनाएं यहाँ पे चल रही हैं, तो वो सब काम किया गया। हरिद्वार, बिजनौर और नरोरा, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सा हैं। आगे बढ़ोगे नरोरा के बाद आपका फर्रुखाबाद पड़ता है, क्या पड़ता है? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के बाद पड़ता है कन्नौज, और कन्नौज में आकर पहली नदी जो गंगा से मुलाकात करती है उसका नाम है रामगंगा नदी, ठीक है? ठीक है, ये बरेली से होते हुए आ रही है, बरेली से होते हुए आ रही है रामगंगा नदी, और एक नौर नदी आ रही है पर काली नदी, ठीक है, इसको शामिल करते हुए ये कन्नौज के पास आकर के मिल जाती गंगा नदी से। दोस्तों कन्नौज का नाम तो आपने सुना होगा ना, कन्नौज में इत्र बनाने का कारखाना, आज भी कन्नौज में अच्छी क्वालिटी का इत्र बनता है, ठीक है? और ये काम किसने शुरू किया था, तो आपको पता होगा क्या नाम था जहांगीर की वाइफ का, मेहरुन्निसा, ठीक है, मेहरुन्निसा, नूर जहाँ की माता जो है इत्र बनाना जानती है, तो कन्नौज वही वाला कन्नौज है, ठीक है? कन्नौज का युद्ध भी एक हुआ था दोस्तों 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, वही कन्नौज की बात कर रहा हूँ। तो ये कन्नौज में आके मिल जाती रामगंगा और काली नदी, पहली बार कोई नदी आके गंगा में मिल रही, इसके ऊपर बहुत सारी मिली थी, बट सबसे पहले ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरोरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज। कन्नौज के बाद दोस्तों ये नदी पहुँचती कानपुर में, कानपुर में जैसे पहुँचती ढेर सारे चमड़ा उद्योग है, नदी का पानी पूरा का पूरा गंदा उठता है, ठीक है? इसके बाद पहुंचती नदी फतेहपुर, फतेहपुर से होते हुए सोराव होते हुए, ठीक है, ये कहां पहुंच जाती है? ये पहुंच जाती इलाहाबाद, ठीक है?
इलाहाबाद पहुंच जाती है। इलाहाबाद में इसको आके मिल जाती कौन, यमुना नदी मिल जाती है। यमुना जो कि कहाँ से निकली थी, तो यमुनोत्री से निकली थी। और यमुना में आके बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी, एक चंबल नदी का नाम आता है जो बहुत सारे उत्खंड बनाती है, ठीक है, बीहड़ बनाती है। बेतवा नदी है, ठीक है, बेतवा जो है सबसे पौराणिक नदी मानी जाती है मध्य प्रदेश की। केन नदी है, सिंध नदी और हिंडन नदी है। इन सभी को लेकर के यमुना आगे आ रही है और ये ज्वाइन करती आके इलाहाबाद में, तब बन जाता है संगम। कहा जाता है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, हालांकि सरस्वती नदी तो अदृश्य है, तो गंगा और यमुना का संगम यहां पर है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद से नदी मूव करती है, फिर मिर्जापुर जाती है, मिर्जापुर होते हुए पहुंच जाती है बनारस। मिर्जापुर के पास में दोस्तों चुनार पड़ता है, ठीक है, चुनार बहुत फेमस जगह है, यहां पर जो है आपका चूना पत्थर की मात्रा बहुत ज्यादा है, चुनार का किला भी बहुत फेमस है, याद रखना। और वहाँ से पहुँचते हुए जब बनारस पहुँच जाती है, बनारस के बाद एक गाजीपुर पहुँचती है। गाजीपुर में कैथी नामक जगह पर दोस्तों और नदियाँ आके मिलती हैं गंगा से, ठीक है, ठीक है, गंगा से और नदियाँ आके मिलती है और उत्तर साइड से मिलती हैं। दक्षिण साइड से आपको यमुना मिली थी और उत्तर साइड से आके कैथी के पास मिलती गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे कौन सा है, आपका लखनऊ बसा है सबसे बड़ा, ठीक, पीलीभीत के पास से गोमती नदी निकलती है, लखनऊ से होते हुए जौनपुर से होते हुए, ठीक है, रास्ते में सई नदी भी एक है, सई नदी को लेते हुए कैथी के पास आके गाजीपुर में मिल जाती है, किससे, आपके गंगा नदी से मिल जाती है गोमती नदी, ठीक है, पीलीभीत के पास से निकली, याद रखिएगा। अच्छा, गाजीपुर डाक के तुरंत नदी पहुंच जाती है बिहार में, बिहार जाती है तो उसकी मुलाकात हो जाती है, पटना में पहुंचती है, पटना वही जिसको पहले मगध बोलते थे, ठीक है, मगध की राजधानी थी पटना, पटना क्या उसका नाम क्या था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र के पास आकर के फिर से नीचे वाली साइड से आपके, मतलब सीधे सीधे हम कहें तो बाएँ हाथ की तरफ से, सॉरी बायां नहीं दाहिना, ऐसे अगर नदी चलेगी तो बायां इधर से रहेगा, दाहिना इधर से रहेगा, ठीक है, तो दाहिने हाथ से दोस्तों आके मिलती है सोन नदी। कौन सी नदी मिलती है, सोन नदी, पटना नदी जो जो है पटना, सॉरी पटना जो है वो दोआब पर स्थित है, कौन कौन सी नदी के दोआब पर, तो याद रखिए एक तरफ सोन नदी एक तरफ गंगा है, ये पटना में आके मिल गई। इसके बाद दोस्तों और आगे देखोगे तो बिहार आ जाए, बिहार का दूसरा जिला आएगा भागलपुर जिला, ठीक है, भागलपुर जिले के पास राजमहल की पहाड़ियाँ वगैरह, नाम सुना ना राजमहल की पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों से काटते हुए तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। अच्छा, यहाँ बिहार में इससे बहुत सारी नदियाँ आके मिलती है, जैसे एक नदी है पुनपुन नदी, सुना है कभी आपने, पुनपुन नदी है, नेपाल से आती है, ठीक है, पुनपुन नदी। और इसके अलावा घाघरा नदी है, घाघरा बहुत तेज कटान करती, घाघरा भी आती है, ठीक है। इसके अलावा गंडक नदी आती है काठमांडू, उसकी राजधानी जो है नेपाल की, वहाँ से आती है। बूढ़ी गंडक आती है, गंडक बूढ़ी गंडक दोनों अलग अलग है। और आपकी कोसी नदी आती है जिसको बिहार का सोक कहा जाता है। ये सारी की सारी नदियाँ आकर के भागलपुर और पटना के पास के बीच बीच में एक एक करके आपस में मिलती जाती हैं आके, ठीक है, ये याद रखिए। इसके बाद पाखुर, पाखुर एक जगह पड़ता है झारखंड में, यहाँ से होते हुए राजमहल की पहाड़ियों को डाकने बाद पाखुर आ जाता है। पाखुर से होते हुए अब आगे बढ़ती तो इस पे एक बांध बनाया गया वेस्ट बंगाल में, फरक्का बांध, कौन सा, फरक्का बैराज का नाम सुना होगा आपने, तो फरक्का बैराज, तो ये एकदम डेल्टा के एकदम बिल्कुल पास में बनाया गया और यहीं से इसकी धाराएं क्या हो जाती हैं, फिर छोटे छोटे हिस्सों में, कई हिस्सों में बंट जाती हैं, ठीक है, और एक हिस्सा चली जाती है हुगली होते हुए, दूसरी हिस्सा पद्मा होते, पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। दोस्तों पद्मा जब आगे बढ़ती है, जब गंगा नदी जो एक हुगली बन गई एक पद्मा बन गई, पद्मा में आगे आके यमुना नदी मिलती है, अरे ब्रह्मपुत्रा जिसको बोलते हो, ठीक है, वो आके मिलती है और बांग्लादेश से होते हुए नीचे चली जाती है। और इधर क्या हुआ, हुगली आगे आई और ये फिर से लास्ट टाइम शुरू जब हुआ था तब इसको भागीरथी नाम देते थे और अपने अंतिम समय भी इसको भागीरथी बोलते हैं, लास्ट में आके गंगा सागर नामक एक जगह है, ठीक है, तो वहाँ जा कर के बे आप बंगाल में जाके मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो मैपिंग था बड़ा अच्छा मैपिंग मुझे लगा और मैंने आपको पहले बताया था कि ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की वेबसाइट है उसके ऊपर ये मैपिंग दिखा था, तो ये जो आपको पढ़ने के लिए कह रहा है ना ये मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चलो आगे की बात आप पढ़ लेते हैं। कर भारत की नदियों में, उत्तर भारत की नदियों में गंगा नदी का रूट मैप हम लोगों ने देखा, अब पढ़ते हैं इसके रूट मैप को। कर गंगा नदी वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संयुक्त नाम है, मतलब इन दोनों के नाम को मिलाकर क्या बनता है, गंगा बनाम पड़ता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और कई सारी सहायक नदियाँ हैं जैसे यमुना है, रामगंगा है, करनाली, राप्ती, घाघरा, गंडक, कोसी, काली, सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत सारी और भी नदियाँ, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, दक्षिणी टोंस, सोन नदी, कई सारी नदियाँ आके बाएँ दाएँ कई तरह से मिलती जाती है, तो एक एक करके देखते हैं तब तो मजा आएगा। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि भागीरथी नदी ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गोमुख नामक स्थान से, ठीक है, और अलकनंदा जो नदी थी ये त्रिशूल और कामेत पर्वत से निकलती है, वहां की जो बर्फ की बर्फ है ग्लेशियर उसके पिघलने से इसकी धाराएं बनती हैं और ये दोनों धाराएं आकर मिलती है तब इसका नाम पड़ता है गंगा। और स्पेशली जो अलकनंदा, धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडार, नंदाकिनी, भागीरथी, इन सभी की संयुक्त धाराओं को नाम दिया जाता है गंगा का।
आगे बता रहा करा धौली गंगा दोस्तों तो पैर धुलना किसका, अलग नंदा से आके मिलती है धौली गंगा, तब बनता है विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी में नंद से नंदा बन गया तो अलग नंदा, नंदाकिनी नंद प्रयाग में है तो प्रयाग में अलग नंदा से आके मिलती है नंदाकिनी नदी। आगे पिंडार, पिंडार क्या था, कड़ जैसा बलवान, ठीक है पिंडारी, तो कड़ प्रयाग में आके मिलता है अलग नंदा से। और मंदाकिनी मतलब भगवान शिव यानी रुद्र प्रयाग में आके मिलती है अलग नंदा से। तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना, देखो सभी की सभी नदियों को लेकर क्यों आ रही है, अलग नंदा यहाँ पर कॉमन है, अलकनंदा यहाँ पर कॉमन है, इन सभी को लेकर अलकनंदा आती है और फिर से आके इस भागीरथी से मिल जाती है, इसका नाम बन जाता है गंगा। क्या बन जाता है, गंगा। इसके बाद कर तत्पश्चात देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन हो जाता है और यहीं से गंगा के नाम से जानते हैं। और यह ऋषिकेश होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, हरिद्वार पहुँच जाती है, ठीक है। इसके पश्चात 800 किलोमीटर बहने के बाद एक कन्नौज के निकट अब्राहिमपुर में राम गंगा से मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको रूट मैप में क्या बताया कि दोस्तों जब वो ऋषिकेश और हरिद्वार में पहुँचती है तो हरिद्वार में यहीं गंगा नदी के पास बनाया गया ऊपरी कैनाल, गंगा ऊपरी कैनाल, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो उसको क्या बनाया गया, आपका जो है मध्य कैनाल बनाया गया, नरोरा के पास जो है निम्न कैनाल बनाया गया, तो कई सारे नहर भी निकाले गए हैं। अच्छा नहर आ जाएगा तो पानी इसका कम हो जाएगा, पानी इसका कम हो जाएगा तो नदियां क्या करेंगी, विसर्प का आकार बनाएंगी ताकि उनके जो धाराएं हैं उसमें थोड़ा सा स्पीड मिल सके, ठीक है। तो इसके बाद ये नदियां क्या बनाती, विसर्प का रूप धारण करती हैं। और तब तक आ गया कन्नौज, और जैसे कन्नौज आ गया राम गंगा नदी आके मिल गई इससे, और राम गंगा नदी मिल गई तो राम गंगा नदी का जो पानी था वो भी आके गंगा में मिल गया, तो गंगा का पानी बढ़ गया। अब थोड़ा सा इसके अंदर जो है गति आ गया, आगे गति आया अभी कन्नौज के बाद और आगे बढ़ी, ठीक है। उसके बाद आपका कानपुर है, फतेहपुर है, सोराव होते हुए इलाहाबाद पहुंच गई, इलाहाबाद में इनको मिल गया यमुना, तो गंगा और यमुना का संगम हो गया, पानी और ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि यमुना अपने साथ जो है कई सारी नदियों को लेकर आएगी, चंबल हो गया और बेतवा हो गया, ठीक है सिंध हो गई, तो बहुत सारी नदियाँ को लेकर के आएगी और ये यमुना नदी आके इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा नदी से, ठीक है। अब गंगा में खूब पानी बढ़ जाएगा और इसके बाद ये बनारस और मिर्ज़ापुर होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी, गाजीपुर पहुँचेगी। तो ये बता रहा है कि इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम हो जाता है। इलाहाबाद से आगे बढ़ते ही सिरसा एक जगह पड़ता है, सिरसा थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, सिरसा के निकट एक टोंस नदी आती है दोस्तों, टोंस नदी आके गंगा में मिल जाती है। और गाजीपुर के निकट गोमती नदी भी आके इसमें मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर है और आपका जौनपुर शहर है बड़े में, ठीक है याद रखिए। तो ये आके जो है गाजीपुर के पास मिलती है। आगे है घाघरा नदी, ये छपरा के पास आके मिलती है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर घाघरा का बताऊं तो छपरा के निकट आके मिलती है घाघरा नदी। छपरा बहुत ज़्यादा, सॉरी घाघरा जो बहुत ज़्यादा कटान करती है, ठीक है। पटना के पास दोस्तों इसमें सोन नदी आके मिल जाती है, गंडक मिल जाती है और बूढ़ी गंडक भी मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ कोसी नदी जो है वो भी आके पटना के पास मिल जाती है। कोसी नदी की वजह से बिहार में बाढ़ आता है खूब ज़्यादा और यहाँ से आगे बढ़ेगी गंगा, ठीक है। तो गंगा के पद्मा के नाम से जानते हैं, जाने जाने लगता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए राजमहल की पहाड़ियों को काटते हुए आगे निकलती है, ग्वालंडो के निकट यह ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। हाँ हालांकि बीच में आपके जो है और लोगों को दिया कि आगे फरक्का बैराज बनाएगा, बैराज के बाद इसकी मुलाकात होगी। और आगे कह रहा है इसे आगे चलकर मेघना नदी के नाम से जानते हैं और 97 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती, कई सारे छोटे छोटे हिस्से में बढ़ जाती है। कह रहा गंगा और मेघना नदी का जो डेल्टा है ये विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इस डेल्टा में सुंदरी के बहुत पेड़ पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है दोस्तों कि अगर आप जो है वीडियो देखते हैं, लगातार देखते हैं और आपके वीडियो पे किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ मेरे भाई उस एडवर्टीजमेंट को आप लोग पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं नितिन सर जो है बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं तो आप लोग ऐसा काम करिए, और नहीं लगता है तो फिर मतलब ही क्या है यार, ठीक है करेंगे आप अपने ही वाला, आपको लगेगा यार कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो करो। आगे है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी के बारे में जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि हम लोग टू दी पॉइंट सीरीज कवर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बात नहीं, बहुत कम शब्दों में आपको ज़्यादा बात बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि गंगा और यमुना का भी रूट मैप आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। करा यमुना नदी की बात करें तो टिहरी गढ़वाल के जिले में यमुनोत्री नामक ग्लेशियर, जैसे गंगा के लिए गंगोत्री ग्लेशियर था उसी तरह इसका यमुनोत्री ग्लेशियर वहाँ से निकलती है। और यमुना की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर, वहीं गंगा की लंबाई की बात करें तो गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। तो करीब आधे का अंतर है कि नहीं, तो कह रहा है कि 1376 किलोमीटर है। हिमालय से उतरने के बाद इसमें आसन और गिरी नदियां आकर मिलती हैं। आगे बढ़ते हुए इटावा, इटावा का नाम सुना है, इटावा के निकट इसमें आके चंबल और काली सिंधु नदी मिलती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना है कि चंबल काली सिंधु, आपको खाली इतना ही समझ लो कि ये सारी नदियाँ आके मिलती किस में है,
ठीक है। तो चंबल जिसको हम चरमती बोलते हैं, इसमें जो है बीहड़ का निर्माण होता है इसके अगल बगल, ठीक है, बहुत खतरनाक नदी है, ठीक है, और कहा जाता है कि इसको श्रापित नदी है, इसमें जो है कोई जीव जंतु आके जो है इसका पानी नहीं पीता। इसी वजह से पूरे भारत में एकमात्र नदी चंबल ऐसी नदी जिसके आसपास कोई भी बड़ा शहर नहीं बसा हुआ है। अदरवाइज नदियों के किनारे शहर तो होता ही होता है, ठीक है, लेकिन चंबल के किनारे नहीं है। काली सिंधु नदी भी आके मिलती है किससे, जमुना जी से। आगे हमीरपुर में चिल्ला घाट नामक एक जगह है, वहाँ पे आकर के केन नदी भी आकर इससे मिल जाती है, और वापस पूरी की पूरी सबको लेते हुए ये इलाहाबाद में आके यमुना आके समा जाती है किससे, गंगा से। अगर इसके रूट मैप की बात करूँ तो ये दिल्ली होते हुए आती है, यमुना नदी किससे होती है, दिल्ली और मथुरा होते हुए, आगरा होते हुए, ठीक है, कहाँ पहुँचती है, इलाहाबाद पहुँचती है। कौसाम्बी भी होते हुए आती है, कौसाम्बी होते हुए यमुना नदी आती है। तो आओ हम लोग रूट मैप की बात कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों कुछ रूट मैप आपके लिए बहुत विशेष है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा। तो रूट मैप में दिखा रहा है कि ये जो गंगा है, पहले गंगा का बता दूं आपको, देखो ऋषिकेश सबसे पहले था, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, ठीक है, इसके बाद गढ़मुक्तेश्वर है, ये होते हुए फर्रुखाबाद, कन्नौज होते हुए, कानपुर होते हुए ये इलाहाबाद आ जाती है। आगे बनारस होते हुए, पटना के पास होते हुए भागलपुर है, ठीक है, ये भी आपके पटना में पड़ता है, और यहाँ से होते हुए ये पहुँच जाती है कट मार के कहाँ पर, राजमहल की पहाड़ियों को काटते हुए कोलकाता के पास पहुँचती है। तो ये इसका पूरा रूट मैप था। अगर इसमें और भी नदियों को देखना है तो आपको समझना पड़ेगा। देखो समझना कैसे आपको, तो मैंने आपको बताया कन्नौज के पास आके मिलती है कौन, सबसे पहले रामगंगा मिलती है, तो यहाँ पे सो नहीं कर रहा है, घाघरा को सो कर रहा है, घाघरा आके पास छपरा के पास मिलेगी, सोन नदी आपके पास पटना के पास मिलेगी, गंडक थोड़ा सा पटना से आगे मिलती है, कोसी जो आपके भागलपुर के पास आके मिलती है, इधर अगर हम यमुना की बात करते हैं तो इलाहाबाद में आके मिलती है, यमुना में चंबल आके मिलती है, ठीक है, यमुना में बेतवा आके मिलती, यमुना में केन आके मिलता है, ये सब आपको याद रखना है। थोड़ा सा और रूट मैप क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर आ जाओगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कई सारी नदियों को दिखाया गया है, खासकर मैं जिसको इसलिए बनाया हूँ, देखो काली सिंध नदी, ये चंबल नदी आ रही है, इसमें काली सिंध नदी आ रही है, पार्वती नदी आ रही है, सभी को लेते हुए लास्ट में आके मिल जाती है यमुना जी में, ठीक है। इसके बाद आपको बताऊँ तो इधर बेतवा नदी भी आ रही है, ये भी आके यमुना में मिलेगी, केन नदी है ये भी यमुना में मिलेगी। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया बेतवा और केन नदी किस नदी में आके मिलती है, जमुना में आके मिलती है, और वापस जमुना सभी को लेकर के कहां पहुंच जाता है, इलाहाबाद में आके आपके गंगा फिर मिल जाता है। सोन नदी इधर ही से आ रही है, बट ये आके आपको जान लो घूमते घूमते साथ साथ तक जाती है, और कहां तक, एकदम साथ साथ तक जाती रहेगी जब तक कि पटना ना पहुंच जाए, पटना के पास आके मिलती है। तो यही सारा आपको समझना है, ओके। आओ अपने टॉपिक पर बात करते हैं, थोड़ा स्पीड में आप कवर करूंगा मैं। रामगंगा रिवर, रामगंगा रिवर के बारे में क्या बताने जा रहा हूँ, कह रहा है रामगंगा नदी, रामगंगा पश्चिमी और रामगंगा पूर्वी दो नदियों से मिलकर बनती है। दो नदी बह के आती है, एक रामगंगा की पश्चिमी धारा, एक रामगंगा की पूर्वी धारा, ये दोनों धारा मिलकर के रामगंगा नदी बनाती हैं। यह नदियाँ शाहजहाँपुर की बात करूँ दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है, ज़िला है। शाहजहाँपुर में एक जगह है एतमादपुर नामक स्थान पर ये दोनों धाराएँ आकर मिलती हैं, इसके बाद नाम पड़ता है रामगंगा। रामगंगा पश्चिमी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से निकल करके कुमायूं हिमालय को पार करते हुए, दोस्तों इसी रामगंगा नदी के किनारे आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क जो आप बोलते थे, तो वही जिम कार्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड, ये आपके रामगंगा नदी के किनारे ही है एतमादपुर में, ठीक है, और पूर्वी रामगंगा में आकर ये मिल जाती है। तो याद रखिए पूरा का पूरा रामगंगा नदी। आगे है दोस्तों काली गंगा किसे बोलते हैं, तो इसे शारदा नदी भी बोलते हैं, कभी कभी इसे चौका नदी भी कहा जाता है। काली नदी दोस्तों कुमायूं के उत्तर पूर्वी भाग के मिलाम हिमनद से निकलती है, कौन सा हिमनद है, मिलाम हिमनद से निकलती है, और यह ब्रह्मघाट के निकट आके घाघरा से मिलती है। याद रखिएगा काली नदी किससे आकर मिलती है, घाघरा से मिलती है काली नदी। तो काली जी अगर आज, काली जी वैसे भी गुस्सैल थी, ठीक है, तो काली जी अगर आके घाघरा से मिल जाती, घाघरा एकदम फुल फार्म में हो जाती है, बहुत ज़्यादा कटान करती है, मतलब बाढ़ के दौरान इसका असली रूप आपको देखने को मिलता है। आगे है करनाली नदी, इसको करनाली बोलते हैं, कौरियाला बोलते हैं, सरजू बोलते हैं, घाघरा को बहुत सारा नाम है। करा इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है। यह नदी पहाड़ी क्षेत्रों में करनाली या कौरियाला के नाम से जानी जाती है, मैदानी क्षेत्रों में जब आती है तो यह नदी शारदा नाम से जानी जाती है। शारदा नदी से मिलकर के घाघरा नदी बनाती है यही नदी, ठीक है। यह नदी तकलाकोट में 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, कौन सी शारदा वाली, ठीक है,
शिवालिक को पार करते हुए यह नदी सीस पानी नमक 180 मीटर चौड़ा और 610 मीटर गहरा खड्ड बनाती है। ठीक है, जैसे आपका सिंध नदी बनाती है गर्त बनाती, उसी तरह से यह भी खड्ड बनाती है। लगभग 970 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह घाघरा नदी जो है यह छपरा के पास आकर गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों, गोरखपुर और आजमगढ़ जिले के बीच में, ठीक है, ये घाघरा नदी यहाँ से निकलती है, ये मतलब होके जाती है यहाँ से। आगे है राप्ती नदी। राप्ती नदी के किनारे आपका गोरखपुर जैसा बड़ा शहर है। यह नदी नेपाल से निकल करके बहराइच गोंडा बस्ती गोरखपुर, बहराइच गोंडा बस्ती और गोरखपुर से बहते हुए बरहज देवरिया के पास पड़ता है। यहाँ के निकट घाघरा में आके मिल जाती है। राप्ती कहाँ के मिलती है? घाघरा में आके मिलती है, और घाघरा जाके छपरा के पास जाके गंगा में मिलती है। तो दोस्तों, आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करना, जैसे शुरू में शारदा आके मिली थी, शारदा के करनाली मिलती है तभी तो घाघरा बनता है, ठीक है, और घाघरा आके राप्ती में मिलती है और सबको लेकर के कहाँ चली जाती है? गंगा में लेके चली जाती है। इसी तरह गंडक रिवर है, इसको भी याद रखिए। करा इस नदी को नेपाल में शालिग्राम नदी बोलते हैं, शालिग्राम, ठीक है, और मैदानों में नारायणी के नाम से जाना जाता है। तो आगे आपको यही समझना है, शालिग्राम नदी कौन सी? कोई अलग नहीं, आपकी गंडक रिवर ही है, बाकी मैदानों में इसको नारायणी नाम से जानते हैं। इस नदी में छोटे छोटे गोल मटोल शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है, और हम लोग घर में उस तरह के पत्थरों की पूजा होती है। आप देखो कौड़ी उड़ी टाइप में होता है ना, जो काले काले तरह की कौड़ी होती हैं, भगवान शालिग्राम का नाम दिया जाता है उनको, तो सारे शालिग्राम इसी गंडक नदी के किनारे पाए जाते हैं। यह नदी नेपाल के मुस्तांग क्षेत्र के नुबिन हिमनद से निकलती है। यह नदी नेपाल में चितवन नेशनल पार्क, अब देखो अगर एग्जाम में आ जाए आपके चितवन नेशनल पार्क कहाँ पे, जैसे जिम कार्बेट किसके किनारे है, ठीक है, तो रामगंगा, एक चीज तो कंफर्म हो गया ना। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि चितवन नेशनल पार्क कहाँ पे है और ऑप्शन दे दे जो है म्यांमार है और नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा लोग गलती करेंगे। तो याद रखना चितवन नेशनल पार्क के पास से आती होते हुए आती है, और भारत में वाल्मीकि नेशनल पार्क गुजरात के पास है, ठीक है, तो इन सभी से होते हुए आती है। इस नदी की दो मुख्य शाखाएं हैं, पश्चिम में काली गंडक और पूर्व में त्रिशूली गंगा, अलग अलग शाखा है, पश्चिम में काली गंडक और पूर्वी में त्रिशूली गंगा। यह नदी पटना के निकट आकर के गंगा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है। इसके बाद कोसी नदी, जिसको कोसकी नदी भी बोलते हो, कोसी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी में सात नदियों के धाराओं को मिलने का इसे सप्तकोसी का नाम दिया जाता है। सात नदियों की धाराओं को एक साथ लेके आती सप्तकोसी। इसमें कंचनजंगा से निकलने वाला कुमार कोसी, माउंट एवरेस्ट से निकलने वाली अरुण कोसी, सुनिए कुमार कोसी, अरुण कोसी, गोसाई थान से निकलने वाली सुन कोसी की धाराएं प्रमुख हैं। इसके बाद नदी को सप्तकोसी कहा जाता है। शिवालिक जो हिमालय है उसको पार करते हुए तराई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इसे कोसी कहा जाता है। कुरसेला के पास गंगा में मिलने से पहले यह नदी अपना डेल्टा भी बनाती है। ये आपको ऐसा पहला बार मिलेगा कि नदियाँ नॉर्मली जो डेल्टा कब बनाती हैं, जब ये समुद्री मुहाने पर होती हैं, लेकिन किसी एक स्पेशली मतलब कि स्थलीय खंडों में भी डेल्टा का निर्माण करती है कोसी नदी, याद रखिएगा, ठीक है, और ऐसा करने वाली मुझे लगता है भारत की एकमात्र नदी है, ठीक है। तो कुरसेला के पास गंगा में मिलने से पहले अपना छोटा सा डेल्टा बनाती है। यह नदी अपना मार्ग बार बार बदलती है, इसी वजह से इस नदी में भयंकर बाढ़ भी आता रहता है, और इसके कारण बिहार में शोक की नदी भी कही जाती है इसको। चंबल नदी, सुन लीजिए, चंबल नदी जो कि जमुना में जाके मिलती थी, करा यह नदी मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती महू के पास है। इसी नदी के पास में महू नामक जगह है जहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। करा यह पहले उत्तर पूर्व की ओर बढ़कर मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिलों में एवं राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी, धौलपुर जिलों से बहते हुए, सोचो दोस्तों कि निकली कहां से, जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश निकलती है, चली जाती है राजस्थान, कहां चली जाती, राजस्थान, भिंड मुरैना होते हुए राजस्थान के झालावाड़ तक भाग जाती, कोटा, जानते हैं ना कोटा जहां पर आईआईटी का पूरा गढ़ है, कोटा, बूंदी, धौलपुर, वहां से होते हुए चंबल नदी कहां आती है, ये इटावा के पास आती है, इटावा के पास आकर के जमुना नदी से आकर मिल जाती है। कोटा में भैंस रोड गढ़ के पास 18 मीटर की ऊंचाई से इसका जल चुलिया जलप्रपात में आके गिरता है। तो एक जलप्रपात भी बना हुआ चुलिया जलप्रपात, पूछेगा अगर एग्जाम में आपसे कि चुलिया जलप्रपात जो है किस नदी पर बना, तो याद रखिएगा चंबल पर बना है। इस नदी की सहायक नदियों में कई सारी नदियां जैसे काली सिंधी, सिवान, पार्वती, बनास, ये जो चार नदियां अगर किस में मिलती हैं, ये आकर के चंबल में मिलती हैं, गड़बड़ी मत करिएगा, यह आकर के चंबल मिलती है और चंबल आके जमुना मिलती है, जमुना जाके गंगा मिलती है। इस नदी ने अपने मध्यवर्ती भागों में बीहड़ों का निर्माण किया है। राजस्थान की एकमात्र फदावाहिनी नदी है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो कोई नदी है नहीं वहाँ पर। इस नदी का पौराणिक नाम था चरमवती,
ठीक है। आगे बेतवा नदी जिसको वेत्रावती भी बोलते हैं, याद रखिए यह नदी मध्य प्रदेश के भोपाल के पास निकल, भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की, वहाँ से निकल करके अब पूछ सकता है कि भोपाल के किनारे कौन सी नदी है भोपाल के पास, तो बेतवा। उसी तरह आपके लखनऊ के पास कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गोमती। ठीक है, तो कह रहा है यह नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलकर हमीरपुर के निकट से यमुना में आके मिल जाती है, हमीरपुर होते हुए जमुना जी में आके मिल जाती है। सांची देखो, विदिशा देखो, ये सब बहुत सारे प्राचीन नगर हैं ये जो बेतवा नदी के किनारे हैं। ठीक है, और प्यार से मध्य प्रदेश के लोग इसको बेतवा माई कहते हैं, इस नदी का नाम क्या बोलते हैं, इसे गंगा माता बोलते हैं, उसे बेतवा माता बोलते हैं। सांची और विदिशा से नगर हैं। इस नदी की लंबाई 480 किलोमीटर की है, माता टीला बांध बना हुआ है और राजघाट जो है ये दो बांध जो है इसी नदी पर बनाए गए हैं। अगली नदी देखो सोन नदी, इसको स्वर्ण नदी भी बोलते हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके नर्मदा नदी के उद्गम के पास से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी हालांकि बहते हुए चली जाती पूर्व पश्चिम की तरफ, और वो किसी नदी में नहीं मिलेगी, नर्मदा ताप्ती जो अलग अलग हैं, ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं, तो ताप्ती तो अलग निकलती है लेकिन नर्मदा नदी इसी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जहाँ से आपकी सोन नदी निकलती है, लेकिन सोन का दिशा जो दूसरा है, इसका दूसरा दूसरा है। ठीक है, करा यह नदी दानापुर के पास आके पटना से मिल जाती है, पटना के पास आके गंगा में मिल जाती है। आगे है दक्षिणी टोंस नदी या तमसा नदी, करा यह तैमूर की पहाड़ी में स्थित तमसा कुंड नामक एक जलाशय से निकलती है, उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए इलाहाबाद के सिरसा के निकट, जैसे इलाहाबाद डाकू के मुझे लगता है 15-20 किलोमीटर की दूरी होगी, वहीं पर आके जो है गंगा से मिल जाती है। और यह नदी कई झरने बनाती, छोटे छोटे जलप्रपात टाइप में बनाती है। ठीक है, अच्छा ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, टाइम देख लेते हैं दोस्तों, 30 मिनट हो गया है, मुझे लगता है यार पढ़ाई देता हूँ खींच के, क्यों पढ़ ही लो आज, मजा आ जाएगा पढ़ के। करा ब्रह्मपुत्र नदी, करा यह नदी अंगजी ग्लेशियर बोरांग है, बोरांग में है, यह तिब्बत से के पास से निकलती है। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार यह माना जाता है कि कैलाश पर्वत के पास एक मानसरोवर झील है, उस मानसरोवर झील से निकलती है, तो कहा जाता है झील बहुत बड़ी है, झील के एक तरफ से सिंधु नदी निकलती है, दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, अच्छा चलिए ये भी याद रखिए, बाकी ये चेमायुंग दुंग ग्लेशियर ये तिब्बत से है, कुछ लोग यहाँ मानते हैं। नवीनतम उपग्रह तकनीकों से वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह नदी जो है आंगजी ग्लेशियर से ही निकलती है, ये एकदम आपको रट के बैठना है। कौन सा ग्लेशियर आपको याद रखना, आंगजी ग्लेशियर, आता है एग्जाम में। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई अपने उद्गम स्थान से अगर देखा जाए तो 2900 किलोमीटर लंबा है, मतलब भारत में जो गंगा नदी है उससे भी लंबी नदी है, बट क्योंकि यह आधा से ज़्यादा जो है कहाँ बहती है, तिब्बत में बहती है, इस वजह से इसको गिनती नहीं करते हैं। ठीक है, आगे है प्रारंभ में यह नदी तिब्बत में बहती है जहाँ पर इसका नाम है सांगपो, क्या नाम है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रों को, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बुलाते हैं, सांगपो। इसके बाद नामचा बरवा पर्वत की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है और उसके पास से दक्षिण पश्चिम में मुड़ करके अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है जहाँ इसे सियांग बोलते हैं। सांग क्या हो गया, सियांग हो गया, सांग क्या हो गया, सियांग हो गया। ऊंचाई को छोड़कर यह नदी जब मैदानों में प्रवेश करती है तो इसका नाम बोल देते हैं दिहांग, तब इसका नाम क्या पड़ता है, सियांग से दिहांग हो जाता है। असम में यह नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है, कहीं कहीं पर इस नदी की चौड़ाई तो 10 किलोमीटर की है दोस्तों, 10 किलोमीटर की चौड़ाई, मतलब समझते हो कितनी चौड़ी नदी है। ठीक है, डिब्रूगढ़ का नाम सुना होगा आपने, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर, लखीमपुर खीरी नहीं बात कर रहा है, वो लखीमपुर असम के पास है। ठीक है, तो लखीमपुर के समीप यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है। असम में ही नदी की दोनों शाखाएं मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, तो सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है ये आपके माजुली द्वीप है। ठीक है, ऐसे दो धाराओं बनती है और फिर आके मिल जाती है, मतलब यहाँ से था ऐसे, ठीक है, यहाँ से दो धाराएं बटी, अब बीच का जो क्षेत्र हो गया ये आपका द्वीप हो गया कि नहीं, तो नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये क्या, माजुली, अभी तो माजुली को अलग जिला भी घोषित कर दिया गया। असम में प्रायः इन नदी को ब्रह्मपुत्र ही बुलाते हैं, बोडो एक जनजाति है दोस्तों असम के पास, बोडो लोग इस नदी को भुल्लम भूथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुल्लम भूथर। अगर एग्जाम में पूछ दे आपसे कि भुल्लम भूथर कौन सी नदी है, ठीक है, कहाँ बहती है, तो यार क्योंकि जनजातियों का कहना था इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा ना, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है कलकल की आवाज़। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तेज, मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ बहती है। ग्वालंडो के निकट ब्रह्मपुत्रा जो है पद्मा नदी से मिल जाती है, आगे बढ़ने पर इसमें मेघना नदी भी मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक दिबांग नदी है, ठीक है, हालांकि इसका नाम दिहांग है, ठीक है, इसका नाम दिहांग था, जिस सियांग के बाद जब मैदानी क्षेत्रों में आती तब इसका नाम क्या था, दिहांग था। यहाँ मैं बात करूँ दिबांग नदी, तो दिबांग नदी आके इसमें मिलती है। लोहित नदी जिसको को खूनी नदी भी बोलते हैं वो भी आके मिलती है। सेसरी नदी, निचली दिबांग, स्वर्ण सीरी, भाद्री, घन सीरी, बनंडी, मानस संकोष, तिस्ता, बूढ़ी दिहांग, दिसांग देखो, झांझी, कुलसी, झिंझीराम, पद्मा, मेघना, जमुना, ठीक है, ये सब आके किस में मिलती है, सब सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्रा की।
पद्मा और यमुना जो है चाँदपुर के निकट मेघना में मिलती हैं। यहाँ कई छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक चौड़ी एस्चुरी का भी निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है सिंधु नदी क्रम, तो इसको भी देख ही लेते हैं। आओ पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग पता है एकदम बोर हो जाओगे। जान दो इसको, छोड़ो इसको, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, और थोड़ा सा टाइम ना होने की वजह से थोड़ा सा जल्दीबाजी में बना रहा हूं, क्योंकि अच्छा जल्दीबाजी भी कोई नहीं है, जो भी देता हूं आपको परफेक्ट डेटा देता हूं, तो अगर आप पढ़े रहोगे तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और बस एडवर्टीजमेंट को पूरा देखिएगा।